सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना व सीमावर्ती क्षेत्र सोना हाथों में हाथियों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाथियों का झुंड पीलीद व कुटाम जंगल में डेरा जमाए हुए है। शाम ढलते ही 20-25 हाथी सब्जी खेतों व खलिहानों में जाकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों से अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण रात जगा कर पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रामीण हाथों में मसाल लेकर हाथियों से घरों की रक्षा कर रहे हैं। सालुकडी पापरीदा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने तरुण महतो के खेत में लगे लौकी परमेश्वर एवं परीक्षित महतो के खेत में लगे पालक गोभी, बाडू पुरान के अरहर खेती एवं दुर्गा प्रसाद महतो के खेत में लगे आलू की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया है। किसानों ने प्रशासन से हाथियों को भगाने और मुआवजा देने की मांग की है। आज रात को हाथी पूरा 25-30 को आया था और पूरा रात भर पूरा छान मारा है। कभी आलू वही पालक साग लौकी पूरा ख़त्म कर दिया है। अरहर हाँ, हम लोग का क्षतिपूर्ति चाहिए। हम लोग मांग करते हैं हाथी को यहाँ से भगाने का प्रयास।